हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटीजीएम गेट पीसीएम चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चों को गेट फॉर्म फिलिंग करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ इशू आ रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम को कैसे आप रिजॉल्व करना है ताकि आप कोई गलती ना करो, ये स्पेशल वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप कोई भी गलती ना करें, गलती से बचना कैसे हमें। सबसे पहली बात तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन कराने की। आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। जो लास्ट डेट है वो 26 सितंबर है। अभी भी बहुत टाइम है कि आप आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर कराना है, खुद को आईडी वाईडी डाल के रजिस्टर करा देना। आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, आपका नाम। आपको वो नेम डालना है जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में होगा, ये नहीं कि आप उल्टा पुल्टा नाम डाल दोगे, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। आपकी जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए जो डॉक्यूमेंट्स में है। आपका पर्सनल मोबाइल नंबर चलेगा जिसके ऊपर ओटीपी आएगा, पेरेंट्स का नेम चलेगा, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी चलेगा। ठीक है, ये सब सबसे ज़रूरी है रिक्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद उसने लिखा है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखते हो तो सपोज पेरेंट्स के नाम में आप आगे श्री मतलब मिस्टर लगाते हो या श्रीमान लगाते हो या श्री लगाते हो, डॉक्टर लगाते हो, वो सब नहीं लगाना। साफ साफ लिखा हो मस्ट नॉट बी यूज्ड, आप उन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपसे वो कहेगा एड्रेस बता दो भाई जिससे वो आपको कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल मांगेगा कि आप जो गेट केमिस्ट्री भरना चाहते हो उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है। कुछ बच्चों के पास एमएससी होगा, कुछ के पास बीएससी होगा। तो जिनके पास बीएससी होगा आप बीएससी फिल करोगे। बीएससी फिल करने के बाद कहेगा भाई बीएससी किसके अंदर, तो आप केमिस्ट्री लिख सकते हो, वहाँ पे अदर क्लिक करके नीचे केमिस्ट्री टाइप कर सकते हो। फिर वो पूछेगा पास हो गए या अभी चल रही है बीएससी, तो पास हो तो पास कर देना, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग में लिख देना। उसके बाद बस वो कहाँ से आप कर रहे हो बीएससी, यूनिवर्सिटी से एंड ऑल दैट, वो चीज़ें मांगेगा। और कोई भी डीएमसी का उसके ऊपर रोल नंबर होता ही है। फिर वो आपसे पूछेगा कि गेट पेपर जो आप देना चाहते हो वो कौन से वाला देना चाहते हो, केमिस्ट्री वाला। फिर वो आपसे 3 एग्जामिनेशन सेंटर गएगा एक ही जोन के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो आपको कहेगा कि चलो अब अपना पेमेंट डन कर दो। जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो क्या है, आपकी एक हाई क्वालिटी की इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक फ़ोटो लगेगी। फोटो में क्या सीन होता है कि फ़ोटो ना कई बच्चों से अपलोड नहीं होती क्योंकि उनका डायमेंशन बड़ा अलग है फ़ोटोज़ का। तो उसके लिए ना आप एक साइट आप यूज़ कर सकते हो इमेज रिसाइजर करके, उसमें आप फोटो को थोड़ा कम ज़्यादा जितने के बी वगैरह की ज़रूरत है उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह सिग्नेचर भी चलेगा। तो डायमेंशन देख लो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में, सीधा गूगल पे लिखो भाई मेरे को 350 पिक्सल वाली इमेज बनानी है, तो बस वहाँ पे अपलोड करोगे बन जाएगी। उसके बाद अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको अपना एससी एसटी सर्टिफिकेट को डालना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अगर आपको डेस्लिक जो भी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्या है उसका डालना पड़ेगा, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो, इन तीन कैटेगरीज में। ठीक है, एससी एसटी वालों को डालना है अपना सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू को डालना है, और ये भी पीडब्ल्यूडी का। उसके बाद एक वो लगेगा स्कैन कॉपी, वो किसकी लगेगी, जैसे आधार कार्ड की लगा दो, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है उसका स्कैन कॉपी लगेगा। बस उससे उसमें क्या होता है, हम आधार कार्ड इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि हमारे आधार कार्ड में हमारी फोटो मैच कर जाती है, हमारा डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अब बच्चे कहेंगे कि हम तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो भाई उन्होंने यहाँ पे कोई नहीं मांगा सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस देखो जनरल का तो कोई सर्टिफिकेट वैसे ही नहीं होता, ईडब्ल्यूएस वालों का भी नहीं उन्होंने मांगा है यहाँ पे, ओबीसी एनसीएल का भी नहीं मांगा है, यहाँ तो नहीं मांगा है। ठीक है, यहाँ नहीं मांगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, बाद में मांगे वो अलग बात है, वो बात की सिचुएशन होती है। ठीक है ना, वो बात की सिचुएशन होती है, यहाँ तो नहीं मांगा। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दे रखा है, सीधा क्या करना है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए, ये डायमेंशन है, क्या करो सीधा लिखो कि 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर इमेज ऑनलाइन, सीधा गूगल पे लिखोगे आ जाएगा। इसी तरह सिग्नेचर का स्पेसिफिकेशन दे रखा है तो वो भी आप डाल सकते हो। पिक्सल में अगर आपको करना है तो पिक्सल में भी काम हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। एप्लीकेशन की फीस आपको बता दी, क्योंकि फीमेल एससी एसटी के लिए 900 है एक ही पेपर का। ठीक है ना, और दो पेपर दोगे तो पर टेस्ट पेपर 1800 रुपये, तो दो तो क्यों ही देने हैं भाई, दो एग्ज़ाम मतलब दो पेपर तो क्यों ही दोगे आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बस इन्होंने यही कहा है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात करिए, तो आप जैसे मतलब आपका बीएससी वाला होंगे ना, आप तो बीएससी एमएससी वाले होंगे, सपोज आप एमएससी के लिए डील कर रहे हो तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन दैट केस,
और एंड वन मोर थिंग, ये रहा बीएससी, बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ द साइंस आर्ट्स कॉमर्स, 3 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे वो करंटली थर्ड ईयर में है, यानी जो बीएससी कर रहा है या जिसकी बीएससी हो गई है, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता है. इसी तरह जिनकी एमएससी हो गई है या एमएससी कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. तो बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बता दिए कि अपने को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स गेट फॉर्म में ये लगेंगे. तो बिना किसी देरी के सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर दो. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि गेट और आई टी जेम का एग्जाम सेम डेट को हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. दोनों अलग अलग होंगे, टेंशन ना लो. एग्जाम दो, एग्जाम सिटीज चेक कर लो कि आप कहाँ कहाँ एग्जाम देना चाहते हो. एक बात और इन्होंने लिखी है, अगर आपका पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, तो इन्होंने ना एक नंबर दे दिया कि अगर आपको पेमेंट नहीं हो रही है आपसे, क्योंकि इसमें ना स्कैन कोड करना होता है, तो पेमेंट अगर आपसे नहीं हो रही है, वैसे तो अपने घर में किसी बड़े से जो ऑनलाइन ये चलाता हो उनसे कराओ, अदरवाइज यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज करो. एक बार अगर पेमेंट हो गई और आपको फेल आया, तो वेट करना, जब तक आपका रिफंड वापस नहीं आता तब तक मत करना, ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये इन्होंने स्पेशल यहाँ पे बात कही है. तो ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई. गेट फॉर्म में तो मुझे इतनी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी कि गेट फॉर्म के अंदर आप अपना फॉर्म फिल अप्लाई करना शुरू कर दो, कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है. कुछ एग्जाम सिटीज को अपडेट कर दिया, कौन कौन से नए नए एग्जाम सिटीज अपडेट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नए एग्जाम सिटीज ये आ चुके हैं, तो इसको चेक कर सकते हो. जोन वाइज चेक कर लो, सपोज मुझे आईटी दिल्ली के जोन में आना है, तो मेरे आईटी दिल्ली में कौन कौन से सेंटर बन रहे हैं, ये आईटी दिल्ली के सेंटर बन रहे हैं, ठीक है, या आईटी दिल्ली हो गया, या कौन सी आईटी रुड़की के अंदर आ रहे हैं, तो आईटी रुड़की के अंदर ये हरियाणा के ये आ रहे हैं, जो भी. बाकी फिर भी अगर आपका गेट फॉर्म फिल में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगी इस वीडियो के नीचे. थैंक यू सो मच. और अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट है गेट पीसीएम क्रैक करना, तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑफर लेकर आया, 50% ऑफ. जल्दी से गेट का सब्सक्रिप्शन लीजिए. अलका रानी मैम आपको कंप्लीट कंप्लीट गेट केमिस्ट्री की तैयारी कराएंगे, और ये ऑफर आपका 18 सितंबर तक वैलिड है. तो बिना किसी देरी के आज तक ऑफर है. अलका कैम कोड यूज करिए, नीचे से कोड यूज करके गेट का सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए. उड़ान बैच है स्पेशल फॉर द गेट केमिस्ट्री के लिए. थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो.